अस्सलाम वालेकुम मरहबा दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद नुमान, वेलकम टू अवर YouTube चैनल ट्रिप अनकट। क्योंकि लाइफ में कुछ कट नहीं है, सब अनकट है। तो हम वापस आ चुके हैं महिम का मेला एक्सप्लोर करने के लिए। जैसे कि फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि मेले में झूले बिल्कुल भी नहीं लगे थे, मगर अभी क्राउड भी मजबूत हो गया है और झूले भी लग चुके हैं और जो दुकानें भी है वो भी सब स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी एंट्री करते हैं अंदर और आपको सब बताएंगे ए टू जेड की प्राइसिंग क्या चल रही है झूले की, यहाँ पर खिलौने अभी क्या प्राइसिंग चल रही है बच्चे लोग के, और जो गेम्स है उसकी क्या प्राइसिंग चल रही है। और जैसे आपको दिख रहा होगा पीछे, यहाँ पर ये रोड पे भी दुकानें लग चुकी है, हम बाबा के जस्ट अपोजिट में खड़े। तो अभी फटाफट एंट्री करते हैं और आपको बताते हैं। तो जैसे कि हम एंट्री कर रहे हैं और आज क्राउड देख सकते हो आप, पहले से ज़्यादा क्राउड दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, मतलब कि बोले ना चलने का रास्ता बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। मगर अभी कुछ नहीं है, आज फ्राइडे है तो इतनी गर्दी है। अभी जैसे हम आगे जाएंगे, सैटरडे संडे आएगा तो और क्राउड दिख जाएगा। और बाबा फालूदा, तो अभी हम एंट्री कर चुके हैं। उदन भाई कैसा लग रहा है, क्राउड कितना है? तो क्राउड बहुत औसम है, मतलब ये अच्छा खासा क्राउड है, मगर कुछ भी नहीं है। अगर मेरा कंपैरिजन लोगे तो ये क्राउड कुछ भी नहीं है। हम सैटरडे और संडे को आएंगे ना तो इससे ज़्यादा क्राउड मिलने वाला है हमको। तो एंट्री कर ली और दुकानें आपको जैसे मैंने बताया था, देखो बीच रोड पे दुकानें और दो रोड बन चुकी है, एक रोड है यहाँ पर, दो रोड बना दिया और सब शॉप लगे हुए हैं बच्चों के खिलौने के, और बहुत बहुत सारी शॉप है, खाना स्मोक बिस्किट भी है, मतलब खाने की बहुत सारी शॉप खुल चुकी है और बच्चे के खिलौने के बहुत सारे शॉप खुल चुके हैं। तो ये फटाफट एंट्री करते हैं और फिर आगे चलते हैं और आपको और चीज़ें बताते हैं। तो यहाँ पर एक शॉप लगी है, तो चाचा कैसा है अपने यहाँ, इसका प्राइस क्या है? सब 100 रुपया, कुछ भी लो 100 रुपया। देख सकते हो आप कौन सा भी टॉय लो 100 रुपया बच्चे लोग के लिए, तो बहुत चीप रेट में टॉय मिल रहे हैं यहाँ पर, तो बहुत सस्ता दे रहे हो चाचा। ये देखो ये भी 100 रुपया, गाड़ी के कलेक्शन है पूरे। चाचा ढोल 80 रुपये में, सही है दादा, एकदम सस्ते में दे रहे हैं यहाँ पर ढोल 80 रुपये में। बाकी देख रहे हो मतलब बहुत अलग अलग आइटम है जो आपको 200 300 400 में बाहर मिलते हैं, वो सब यहाँ सब 100 रुपये में, सब 100 रुपये में। तो यहाँ पर एन नंबर सब शॉप खुल चुकी है, जैसे आपको दिख रहा होगा चूड़ी की शॉप है, यहाँ बर्गर की शॉप है और हलवा पराठे की भी शॉप है बहुत सारी यहाँ पर। तो बहुत शॉपें खुल चुकी है सिर्फ उर्स के लिए, उसके बाद आपको इतनी शॉपें नहीं मिलेगी यहाँ पर। अभी चलते हैं थोड़ा आगे, और जो हलवा पराठा यहाँ पर फेमस है, बोलते ना माहिम के मेले की शान है वो, माहिम का हलवा पराठा, बस वहाँ पहुँचने वाले हैं और उसका भी कैप्चर करते हैं और आपको वहाँ क्राउड दिखाते हैं कि कितने लोग हैं उधर। मतलब क्राउड देख के आप बोलोगे अरे यार सही में कुछ फेमस चीज़ दिखा रहे हैं हम लोग। तो ये है माहिम के मेले की शान, पहलवान हलवा पराठा, मतलब माहिम के मेले की शान है, अगर इसके बगैर माहिम का मेला अधूरा है भाई, सही में सीरियसली। तो देख सकते हो ये भाई कैसा चल रहा है भाई, इसके अंदर ओके तो हाँ भाई, अच्छा आग लगा रहे हैं, तो देख सकते हो एकदम यूनिक आइटम है भाई। कैसा भाई है, 80 रुपीस का एक है, तो बहुत यूनिक आइटम आपको देखने मिल रहा है, आग से चल रहा है अगर देखा जाए तो। तो यहाँ आपको देख रही होगी और भी खुले होने की शॉप दिख रही होगी, और अपोजिट में आपको सब दुकानें दिख रही होगी, मतलब बहुत एन नंबर ऑफ दुकानें खुल चुकी है सिर्फ ये 11 दिन के लिए, उसके बाद आपको ये सब दुकानें नहीं दिखेगी यहाँ। माशाल्लाह माहिम दरगाह कितनी प्यारी दिख रही है। अस्सलाम वालेकुम वहलन कपूर, तो जैसे कि जो गली में हम लास्ट टाइम जब आए थे तो पूरा सुनसान था वो गली की, अभी आपको रौनक दिखाता हूँ। तो ये वही गली है मेले में आए हुए हजरत की रौनक, गुजारिश है चलने के रास्ते में चलते समय जल्दी वगैरह ना ले, करो मेरी बात को सुनो हजरत से गुजारिश है रास्ते में चलते समय जल्दी वगैरह ना ले, अपने आजू बाजू जाने वालों का ख्याल रखे। तो ये गली की आप देख सकते हो जल्दी वाले हजरत, पूरी गली भरी हुई है दुकानों से, अपने आजू बाजू जाने वालों का ख्याल रखे, चलते रहे बढ़ते रहे, खुद भी चले और आपको भी चलने का पूरा पूरा मौका दे। ग्रोसरी की दुकान और सब्सक्राइबर मिल चुके अपने, तो कैसे बेटा सब ठीक है? सब ठीक है। तो ये चैनल पे आ जाएगा और तुम लोग दोनों दिखोगे। हाँ लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो फटाफट। थैंक यू बाय बाय। तो बस वो गली अभी खत्म होने वाली है और हम मेले की तरफ पहुँचने वाले हैं,
तो बाकी यहाँ पर फाइनली हम वहाँ जगह पे आ चुके हैं जहाँ हमारी बुरी हार हुई थी। अरमान याद है कि नहीं? हाँ याद। यहाँ बुरी तरह हारे सब, बुरी तरह हारे थे यहाँ पर। हाँ गेम क्या बोलते हैं, वापिस से एक बार लग आजमाए? आजमाने को तो आजमा सकते हैं, लेकिन अगर लॉस्ट हुआ तो फिर वापिस से फिर से पोपट। तो क्या बोलते हैं, ट्राई करते एक बार? ट्राई करने में तो कोई हर्जा नहीं है। तो भाई प्राइसिंग क्या है भाई? 30 रुपये। तो प्राइसिंग भी बहुत चीप है इसकी भी, मतलब लास्ट टाइम जितना था उतना ही है, 30 रुपये। तो यही गेम था जहाँ हम बुरी तरह हारे थे, मैं और अरमान दोनों। तो वापस से ये गेम खेलते हैं और देखते हैं ये बार लक कैसा चल रहा है। तीन पे गया तो कुछ तो मिलेगा, छन्नी मिलेगी। क्या बोलते, तीन पे गया तो छन्नी मिलेगी? ट्राई करते, छन्नी मिलेगी। तो फाइनली जीते हैं, मगर इतना बड़ा चीज़ नहीं जीते, छोटी चीज़ जीते हैं, मगर जीतना इम्पोर्टेंट था, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जीतना। तो भाई क्या जीते हम? अच्छा ना भाई, चार चार जीता हुआ, ये 10 हो गया। हाँ 18। तो फाइनली हमारी जीत आ गई, हमारे पास छन्नी, हम छन्नी जीत चुके हैं। तो कुछ हारने से अच्छा कुछ जीते ये बार। तो लास्ट टाइम का बदला तो ले चुके हमने। तो जैसे कि आप माहिम चर्च, और माहिम चर्च के अपोजिट में ये लगा हुआ है बैनर मेले का, और चलते आप अंदर। तो फाइनली जिसका इंतजार था, हम अंदर पहुंच चुके हैं चूल्हे की तरफ मेले में। तो बोलते ना माहिम के मेले की बात ही अलग है, तुम कोई भी जगह मेला जाके घूम लो, मगर माहिम के मेले के जैसा मेला तुमको कहाँ नहीं मिल सकता। तो बस एंट्री की और इतना क्राउड है ना आज की, बोलो मत पूछो मत, इतना क्राउड है आज। और आज ना सैटरडे है ना संडे, आज फ्राइडे में इतना क्राउड है, तो संडे में आप पता सोच सकते हो कितना क्राउड होगा। मतलब कि इतनी आवाज़ है कि पूछो मत। तो और झूले तो बहुत लगे हुए हैं, और सब झूले का अगर प्राइसिंग की बात करेंगे तो सब झूले का प्राइसिंग 100 रुपये है। मतलब जो भी बड़े बड़े झूले हैं सबका प्राइसिंग 100 रुपये है, किसका प्राइसिंग फिक्स प्राइसिंग है यहाँ पर। तो अभी चलते आगे, और अभी झूला झूलने का प्लान हो चुका है। हम जा रहे हैं आसमानी झूले पे टिकट। तो फाइनली हमारी टिकट आ चुकी है, 100 रुपये की एक टिकट है, तो बहुत ज्यादा महंगी है अगर देखा जाए। चलते हैं झूले पे, अगर अकेला बैठने मिल जाएगा तो बहुत मजा है भाई। प्लीज पीछे की बैकग्राउंड की इग्नोर करो आवाज़ों को। जैसे कि राइड चालू हो चुकी है, एकदम स्लोली चल रही है अभी, और डर की बात करेंगे तो 0% जा रही है अभी। राइड थोड़ी फास्ट होती जा रही है, कुछ अलग ही फीलिंग आ रही है, थोड़ा सा डर लग रहा है। ये सब जगह जो राइट देखते हैं उसके आपने कुछ भी नहीं है ये। और बहुत स्लोली
बोले ना बहुत स्लो चल रहा है अभी, थोड़ा फास्ट करना चाहिए तो मजा आएगी। थोड़ा सा ऊपर से आता है तो थोड़ा सा दिखना चाहिए, बाकी बिल्कुल कुछ भी नहीं हो रहा है। अरे यहाँ से जो नज़ारा है ना, एक बार ऊपर रुकना चाहिए बस, बहुत प्यारा नज़ारा दिख रहा है। अगर आप आसमानी झूले की बात करेंगे तो मैंने पैसा बर्बाद किया 100 रुपया, क्योंकि झूला झुलाया ही नहीं उसने ना के बराबर, एकदम स्लो स्लो गोल घुमा के छोड़ दिया। अगर इंसान पैसा 100 रुपया दे रहा है तो उसको वैसा इंजॉयमेंट भी होना चाहिए, मतलब कि पैसा बर्बाद करने नहीं आया हम मेले में, तो मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो लूट मची हुई है, सीरियसली लूट मची हुई है इधर। 100 रुपये का एक झूला है और कोई भी झूले पर जाओ तुमको 100 रुपये में झूला झूलने मिल रहा है। मगर बोले ना आप बोलोगे मतलब कि राइड्स इतनी 100 रुपये के हिसाब से राइड्स नहीं मिल रही है तुमको करने के लिए, तो सही में पैसा वेस्ट हो रहा है यहाँ पर मेले में, तो ये सब चीज़ का ध्यान देना अगर आओगे तो। तो यहाँ पर मौत का कुआ है और मौत के कुएं का भी 100 रुपये है, बाकी सब राइड का अगर देखा जाए ना सबका 100-100 रुपये ही है। मगर मेरे को सही में ना डिसअपॉइंट हो गया हूँ मैं, मतलब झूले से आसमानी झूले पर पैसा बर्बाद हुआ ऐसा लगा। और मगर अगर मेरा राय दोगे ना, मेरे को यहाँ पर जो झूले का जो चालू है ना यहाँ पर, कि झूला 100 रुपये का झूला कर दियो और तुम झूला रहे भी नहीं हो जैसा, मतलब कि झूला है मतलब कि वैसा झूला रहे भी नहीं हो तुम, कि मतलब 5 मिनट भी नहीं 100 रुपये ले रहे हो, मतलब लूट तो मची हुई है ये तो मैं बोल सकता हूँ। बाकी आप आओगे तो ये सब चीज़ का ध्यान देना, बाकी इन्जॉयमेंट के लिए फैमिली के लिए बहुत अच्छी जगह है, ज़रूर आना। बाकी लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।